नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद साधक के शरीर में अपार ऊर्जा का अनुभव तो होता ही है, साथ ही साथ कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं उसके शरीर में घटित होने लगती हैं। क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा एक असीमित प्रकार की ऊर्जा है और जब यह ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में साधक के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो साधक उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता और स्वतः अपने आप कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं होने लगती हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हाई वोल्टेज तार में बिजली का प्रवाह होता है और हम अपनी जरूरत के अनुसार अपने घर से तार जोड़ करके, कनेक्शन लगा करके अपने उपयोग के लिए वहां से बिजली ले लेते हैं। ये ठीक उसी प्रकार एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है कुंडलिनी ऊर्जा। इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि यह हमारा मानव शरीर उसको संभाल नहीं सकता, तो कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं होने लगती। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम मुझे ऊर्जा का ही आभास हुआ था, जैसे मैंने योग निंद्रा बताया था और शरीर का ऊर्जावान होना भी मैंने आपको बताया था। पीनियल ग्लैंड में जो अनुभूति हो रही थी उसको भी मैंने बताया था। लेकिन यह जो यौगिक क्रिया है इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। यह कुंडलिनी ऊर्जा के क्रिया स्वरूप के बारे में है। सबसे पहले जब मैं ध्यान करता था तो मेरा सिर ऐसे बिल्कुल गोल 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 घूमता था, ऐसे बिल्कुल गोल गोल, और ये बहुत झटके के साथ हिलता था, बिजली के झटके के समान मेरा सिर गोल गोल घूमता था और कभी साइड में ऐसे चला जाता था और कभी इस साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे, और ये बिल्कुल अनियमित प्रकार से यह घूमता था और मैं डर जाता था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे साथ। लेकिन समय के साथ साथ एक डेढ़ महीने में ये क्रियाएं स्वतः होनी बंद हो गई और अब जिस क्रिया का अनुभव होता है, जो अभी भी हो रहा है, वह है ध्यान में मैं अपने आप स्वतः ध्यान की मुद्रा में ही उछलने लगता। इसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा जो कि मैंने लाइव ध्यान से एक वीडियो क्लिप निकाला है जिसमें कुंडलिनी ऊर्जा जगने के बाद कैसे मैं उछल रहा हूं, उस वीडियो लिंक में आप देख सकते हैं। तो जोर जोर से मैं उछलने लगता हूं और ये अचानक होता है, बिजली के करंट सा, जैसे बिजली लगती हो वैसे ये अचानक घटित होता है। पूरे शरीर में स्पंदन फैल जाता है और जंपिंग होने लगती है स्वतः अपने आप। कई प्रकार के प्राणायाम अपने आप हो रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम उसमें से पहला प्राणायाम है जो मुझे होना शुरू हुआ। पहले मैं 25 मिनट कपालभाति प्राणायाम करता था, लेकिन जब से ये कपालभाति
ध्यान में होना शुरू हुआ तब से मैंने कपाल भाती करना छोड़ दिया और ये कपाल भाती प्राणायाम स्वतः अपने आप ध्यान में होने लगता है। एक और प्राणायाम है जो स्वतः अपने आप होता है, वह है उजई प्राणायाम। आपने सुना होगा उजई प्राणायाम के बारे में, देखा भी होगा, लेकिन यह जो उजई प्राणायाम है बिल्कुल परफेक्ट होता है और कई मिनटों तक होता है। और ये जब उजई प्राणायाम होता है तो स्वतः सांस अपने आप अंदर जाने लगती है, कई मिनटों तक सांस अंदर जाती है। उजई प्राणायाम के बाद ओम का उच्चारण अपने आप स्वतः होने लगता है अचानक। यह भी बिजली की गति के समान होता है, अचानक होता है। ओम ध्वनि कभी पतले आवाज में ऊंचे तक जाती है तो कभी गूंजते हुए अंदर ही अंदर मोटे आवाज में आती है, और यह सब कुछ साक्षी भाव से होता है। यानी कि मुझे इसका ध्वनि जब गुंजित होता है अपने ही मुंह से तो अपने कानों में मुझे सुनाई देता है और मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे मैं केवल सुन रहा हूं, लेकिन ये स्वतः अपने आप मेरे ही मुंह से, मेरे कंठ से ये निकलता है। लेकिन इसका उच्चारण करने में मेरा ध्यान नहीं रहता, इसको सुनने में मेरा ध्यान लग जाता है। तो ओम का उच्चारण जब होता है तो बहुत देर तक सांस बाहर की ओर निकलती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति विज्ञान का एक ब्रीदिंग सिस्टम है जिसमें स्वतः सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर भी आ रही है। ये था उजई और ओम का उच्चारण अपने आप होना। एक और प्राणायाम है जो स्वतः मुझे अभी अभी होना शुरू हुआ है, शीतली प्राणायाम। ये यूं होता है, जब सुषुम्ना नाड़ी ध्यान में चलने लगती है और बिल्कुल मैं स्थिरता में हो जाता हूं तो अपने आप मुंह जो है बिल्कुल नुकीला हो जाता है ऐसे, और जीभ थोड़ी ऊपर चली जाती है और शीतल वायु अंदर प्रवेश करने लगती है। बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। तो ये बताया मैंने प्राणायाम जो स्वतः ध्यान में अपने आप हो रही है। कुछ मुद्राएं हैं जो स्वतः अपने आप होती हैं, जैसे खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा, ये खेचरी मुद्रा जीभ, ये कब होता है मैं आपको बता दूं। ध्यान जब समाप्त होने को रहता है अंतिम मिनटों में, ये ध्यान के अंतिम मिनटों में घटित होता है, जीभ अपने आप स्वतः बाहर की ओर निकलती है, स्ट्रेच होती है नीचे की तरफ और उसके बाद तालू से ऊपर जाकर लग जाती है, खेचरी मुद्रा। और एक मुद्रा है अश्विन मुद्रा। जब मैंने ध्यान साधना शुरू किया था, जब ध्यान नहीं लगता था, तो मैं कई प्रकार के मुद्राएं देख करके गूगल से करने लगा किस प्रकार कुंडलिनी जागृत की जाए। तो अश्विन मुद्रा मैं करने लगा। अश्विन मुद्रा में क्या होता है कि हमारा गुद्दा द्वार जो है, मल द्वार, वहां पर संकुचन पैदा होता है। घोड़े को आपने देखा होगा, वो घोड़ा पैखाना करने के बाद अपने मल द्वार को ऐसे ऐसे सिकुड़ता है। तो ये अश्विन मुद्रा भी मुझे अपने आप होने लगी। और जब मैं दिन में आराम करने को सोता हूं तो
अचानक से गुदा द्वार में संकुचन का एहसास होता है और मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ, कह रहे ये अचानक कैसे हो गया। लेकिन ये हो जाता है, ये तब होता है जब सांसें सम चलने लगती हैं, सुषुम्ना नाड़ी जब चलने लगती है तो ये अपने आप खींच जाता है। शांभवी मुद्रा, इसका भी अभ्यास मैंने किया था और सिर में भारीपन महसूस होता था। ध्यान के शुरुआती दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं ध्यान करता हूँ तो ये शांभवी मुद्रा अपने आप लग जाती है। ध्यान में हूँ और अचानक आंखें खुल करके यूं लग जाती हैं और ध्यान और भी गहरा हो जाता है। कोई दूसरा देखेगा तो समझेगा कि अरे ये तो मैंने ध्यान में आंखें खोल दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है मित्रों। शांभवी मुद्रा अपने आप लग जाती है, ध्यान और भी गहरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। आंखें तो खुलती हैं लेकिन वो कुछ देखती नहीं, ध्यान और भी गहरा हो जाता है, अंतरतम की यात्रा होने लगती है, भीतरी खोज होने लगती है इस शांभवी मुद्रा से। आज्ञा चक्र पर सेंसेशन संवेदना होने लगती है, स्पंदन महसूस होता है, गुदगुदी का एहसास होता है और मदहोश हो जाता हूँ। ये दिन में कई बार होता है और अकेले जब घूमने निकलता हूँ वॉकिंग के लिए तो ये स्वतः अपने आप होता है, ये खुली वायु में खुले वातावरण में और भी अधिक होता है। सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत हो जाती है, टहलता हूँ सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, सुखद एहसास होने लगता है, अंदर से जैसे आनंद की अनुभूति होने लगती है और दोनों नासिका छिद्रों से श्वास एक साथ अंदर जाती है और एक साथ बाहर आती है और जैसे सीने में लगता है कि पूरी वायु भर गई और पूरा शरीर ऊर्जावान महसूस होने लगता है। तो कई प्रकार की मुद्राएं हैं, प्राणायाम हैं, कई प्रकार की योगिक क्रियाएं हैं जो अपने आप स्वतः मुझे ध्यान में हो रही। तो मित्रों ये है कुंडलिनी जागरण का योगिक क्रिया में तब्दील हो जाना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान का अंतिम जो लक्ष्य होता है वो समाधि होता है और ऊर्जा का पहले अनुभव होता है तो शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, बढ़ते जाता है, फिर यौगिक क्रियाएं स्वतः अपने आप होने लगती है। लेकिन यौगिक क्रिया फिर अपने आप स्वतः बंद भी हो जाती है और स्थिरता आनी शुरू होती है। जैसे मैंने बताया ये सिर गोल गोल घूमता था बहुत झटके के साथ, लेकिन अब ये नहीं घूमता, स्थिरता आनी शुरू हुई है। और इतनी सारी ये जो यौगिक क्रियाएं मैं बता रहा हूँ ये जो हो रही है ये भी धीरे 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 स्वतः अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान का परम लक्ष्य है समाधि को प्राप्त होना। जब ये सारी यौगिक क्रियाएं होनी बंद हो जाएंगी तब साधक अपने आप समाधि की ओर बढ़ने लगता है और ये योग के आठों अंग पूरे हो जाते हैं। पतंजलि अष्टांगिक योग में आपने देखा होगा, सुना होगा, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो कुंडलिनी शक्ति का एक विज्ञान होता है और कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल इसी अपने विज्ञान के अनुसार चलती है स्टेप बाय स्टेप। तो अंत में समाधि को साधक प्राप्त हो जाता है और उसे उस ऊर्जा को वह अंदर ही अंदर धारण किए रहता है और कई दिनों तक
बिना खाए पिए भी रह सकता है, कई दिनों तक वह ध्यान में ही रह सकता है, क्योंकि वह ऊर्जा जो यौगिक क्रिया से बाहर निकल रही थी, अब वो ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, वह ऊर्जा अंदर ही रह जाती है, और साधक उसी ऊर्जा से अपने इस शरीर को चला सकता है। तो दोस्तों, आप भी ध्यान करें और ध्यान की इस गहराई को नित्य प्रतिदिन आप भी छूते जाएं, नित्य प्रतिदिन नए नए आयाम आप गढ़ते जाएं और जिंदगी की गहराइयों में आप अपने अंतरतम तक पहुंचते चले जाएं। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।